हेलो एवरीवन। देखिए, अब नेक्स्ट टॉपिक करते हैं हम, ब्लॉक डायग्राम ऑफ ट्रांसमीटर एंड ब्लॉक डायग्राम ऑफ रिसीवर। देखो, ट्रांसमीटर और रिसीवर में सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ट्रांसमीटर साइड होती है मॉड्यूलेशन और रिसीवर साइड होती है डीमॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन आपको पता है क्या करते हैं हम, उसमें मैसेज सिग्नल को भेजते हैं कैरियर वेव के साथ, ठीक है। और रिसीवर में जो हमने बोला है कि डीमॉड्यूलेशन होती है, तो डीमॉड्यूलेशन में क्या होता है, इसमें हम सिग्नल हमें रिसीव हुआ है, अब उसमें से हम क्या करते हैं, कैरियर वेव को अलग करते हैं और अपने मैसेज सिग्नल को अलग करते हैं, ये होती है डीमॉड्यूलेशन, ठीक है। देखो, ब्लॉक डायग्राम ऑफ ट्रांसमीटर को देख लेते हैं। देखो, मैसेज सिग्नल इधर से जा रहा है, ये हमारे पास एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटर लगाया हमने, जैसे मान लो, ठीक है, यहाँ फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटर भी लगा सकते हैं, तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटर लगाया, ठीक है। और साथ में यहाँ पर हमने क्या भेज दी, कैरियर वेव, तो यानी कि यहाँ पर ये क्या हो रही है, मॉड्यूलेशन हो रही है, मैसेज सिग्नल को कैरियर वेव के साथ भेज रहे हैं, ठीक है। तो ये मॉड्यूलेटेड वेव आ गई, जैसे कि हमने एम्पलीट्यूड में देखा भी था, मॉड्यूलेटेड वेव आई। अब मॉड्यूलेटेड वेव, अब इसको हम पावर एम्पलीफायर के थ्रू ट्रांसमिटिंग एंटीना पे भेजेंगे, ठीक है। तो यही लिखा हुआ है, द मॉड्यूलेटर इज फॉलोड बाय अ पावर एम्पलीफायर विच प्रोवाइड द नेसेसरी पावर, पावर मिल जाएगी उसको, ठीक है। एंड देन द सिग्नल इज गिवन एंटीना ऑफ अप्रोप्रिएट साइज ऑफ रेडिएशन, ठीक है। अभी अप्रोप्रिएट साइज क्यों बोला है, देखो जहां तक आपको भेजना है सिग्नल को, उसके अकॉर्डिंग जो होगी हाइट ऑफ एंटीना भी वेरी करती है, ठीक है। ये आगे हम पढ़ेंगे साइज ऑफ एंटीना में, ठीक है। तो अप्रोप्रिएट साइज ऑफ रेडिएशन जो एंटीना होगा, उस पर हम सिग्नल को भेज देंगे, ठीक है। तो ये ट्रांसमिटिंग एंटीना से ट्रांसमिट होगा सिग्नल। उसके बाद बात कर लेते हैं, देखो, ब्लॉक डायग्राम ऑफ रिसीवर। तो देखो, यहां पर तो क्या हो रही थी, मॉड्यूलेशन हो रही थी ऊपर ट्रांसमीटर साइड, तो ठीक है। अब रिसीवर साइड क्या होगा, डीमॉड्यूलेशन होगी, ठीक है। देखो, डीमॉड्यूलेशन कैसे होगी, देखो ये आपके पास एक रिसीवर एंटीना लगा हुआ है, ठीक है। अब देखो, रिसीव होगा यहां से सिग्नल, अब जो रिसीव्ड सिग्नल, अब वो अटेनुएट हो गया होगा, क्योंकि जब ट्रांसमीटर से वो ट्रांसमिट हुआ तो प्रोपेगेट हो रहा है, ठीक है। प्रोपेगेशन में क्या होता है, अटेनुएट होता है सिग्नल। तो जो रिसीव्ड सिग्नल आया, वो सबसे पहले हम एम्पलीफायर में दे, ताकि सिग्नल को एम्पलीफाई किया जा सके। अब कहानी क्या होती है, जब एम्पलीफाई हो गया, उसके बाद देखो, ये होती है हमारे पास आईएफ स्टेज। आईएफ स्टेज मतलब क्या होता है, इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी स्टेज, ठीक है। अब जैसे मान लो ट्रांसमीटर साइड हमारा अगर फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटर होता तो ये काम करता हमारे पास, यहाँ पर क्या होता है, इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी स्टेज पे जो कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी है उसको अलग कर लेते लो फ्रीक्वेंसी वेव से। मतलब क्या, लो फ्रीक्वेंसी वेव वाला कौन सा है, हमारा मैसेज सिग्नल है, और हाई फ्रीक्वेंसी वेव वाला कैरियर वेव वाला है, ठीक है। तो इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी स्टेज क्या करती है, कैरियर वेव और जो हमारा मैसेज सिग्नल होता है इनको अलग अलग करती है, ठीक है। और डिटेक्टर उसको डिटेक्ट करेगा सिग्नल, इसलिए इन दो ब्लॉक्स को हमने क्या बोला, डीमॉड्यूलेटर। यहाँ डीमॉड्यूलेशन हो रही है, क्योंकि कैरियर वेव जो है हमारी अलग हो रही है मैसेज सिग्नल से, ठीक है। अब मैसेज सिग्नल यहां पर डिटेक्ट कर लिया, उसके बाद फिर उसको दोबारा से हम किस में देंगे, एम्पलीफायर में देंगे, क्योंकि जो डिटेक्टेड सिग्नल है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं रहा अब, ठीक है, आफ्टर द डीमॉड्यूलेशन। तो इसकी वजह से हमें क्या करना पड़ेगा, एम्पलीफायर में देना पड़ेगा उसे स्ट्रॉन्ग करने के लिए, और ये आपका आउटपुट में आ जाएगा, समझ रहे हो। तो ये चीज लिखी हुई है यहाँ पर, द ट्रांसमिटेड सिग्नल गेट अटेनुएटेड ड्यूरिंग द प्रोपेगेशन। तो जो ट्रांसमिटेड सिग्नल है वो अटेनुएट हो जाता है प्रोपेगेशन के टाइम पर। द रिसीविंग एंटीना इज फॉलोड अप बाय एम्पलीफायर एंड अ डिटेक्टर। जो रिसीवर एंटीना होता है ये फॉलो अप होता है किससे, एम्पलीफायर से, और एक आपके पास जो डिटेक्टर होता है इससे। और जो कैरियर फ्रिक्वेंसी होती है वो यूजली सेपरेट बाय लोअर फ्रिक्वेंसी बाय इंटरमीडिएट फ्रिक्वेंसी स्टेज। मतलब ये जो आई एफ स्टेज होता है ये क्या करता है, कैरियर फ्रीक्वेंसी को सेपरेट कर लेता है लोअर फ्रीक्वेंसी से बाय इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी स्टेज, जिसको हम आईएफ स्टेज बोल रहे हैं, ठीक है। तो आईएफ स्टेज के बारे में अगर पूछ ले आपसे पेपर में अलग से, तो आप क्या लिख सकते हो कि ये क्या करता है, कैरियर वेव फ्रीक्वेंसी को अलग करता है लो फ्रीक्वेंसी वेव से, यानी कि मैसेज सिग्नल से, ठीक। उसके बाद लिख रखा है, द डिटेक्टेड सिग्नल मे नॉट बी स्ट्रॉन्ग इनफ फॉर यूज। जो यहाँ पर डिटेक्टर ने डिटेक्ट किया सिग्नल, वो स्ट्रॉन्ग नहीं है इतना यूज करने के लिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एम्पलीफिकेशन करेंगे। सो हैंस एम्पलीफिकेशन इज रिक्वायर्ड, और ये आपके पास आउटपुट में आ जाएगा सिग्नल। क्या इतनी बात समझ में आई है या नहीं आई है? तो ये ब्लॉक डायग्राम था रिसीवर का, और ये ऊपर जो था आपके पास ट्रांसमीटर का, क्लियर। इसको अच्छे से कर लेना, पूछ लेते हैं कई बार पेपर में, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, वो है प्रोपेगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्लियर। ओके, थैंक यू।